जानेंगे पाइल्स के डायग्नोसिस, यानी कि कैसे पता किया जाए, कैसे जांच पड़ताल किया जाए। तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे जब आपको 7 दिन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, ओवर द काउंटर आपने मेडिसिन लिया जो कई बार काम कर जाते हैं और आपके साथ फिर से नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एक्सपर्ट के पास, जो कि आपके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। वह पीड़ित के एनस का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और यह पता करते हैं कि कहीं सस्पेक्टेड पाइल्स तो नहीं है। तो डॉक्टर आपसे कई तरह की पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि आपके कोई रिलेटिव परिवार के सदस्य को तो यह पाइल्स नहीं है, कोई ब्लड या म्यूकस तो स्टूल के साथ नहीं निकलता है, जो कि अक्सर निकलता ही है, और कोई हाल फिलहाल में अगर आपके बगैर प्रयास किए हुए ही वेट लॉस तो नहीं हुआ है, कोई बाउल मूवमेंट रिसेंटली चेंज हुआ है क्या, या आपके स्टूल का कलर क्या है, इस तरह के कई क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, जो कि स्थापित करना चाहते हैं कि यह सचमुच ये पाइल्स ही है या कुछ और है। इंटरनल पाइल्स के लिए डॉक्टर जनरली परफॉर्म करते हैं जिसे कहते हैं DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, और एक प्रोक्टोस्कोप होता है जो कि एक हॉलो ट्यूब है, उसमें एक लाइट लगे होते हैं जिससे कि डॉक्टर यह देख पाते हैं, एनल केनाल को पूरी तरह से वो देख पाते हैं, और तभी वहां से देख के ही वहां से एक छोटे से टिश्यू को भी निकालते हैं इनसाइड रेक्टम से, और फिर उसे सैंपलिंग के लिए लैब में एनालिसिस के लिए भेजते हैं, तब वो स्थापित कर पाते हैं। तो यह तो पहला मेथड होता है DRE का। दूसरा मेथड होता है मित्रों कोलोनोस्कोपी, जो कि डॉक्टर करवाते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं साइन और सिम्टम ये सब दिखते हैं, और स्पेशली ये तब कराया जाता है जब उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के भी कुछ डिसऑर्डर दिखने लग जाते हैं, और तभी पता चल पाता है कि कोई रिस्क ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि आगे चल के यही कोलोरेक्टल कैंसर में भी तब्दीली हो सकता है। मित्रों अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, अधिकतर केसेस में बगैर होम रिमेडियल के द्वारा ही कुछ लाइफस्टाइल चेंजेज करके ही हो जाते हैं, ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कर नहीं पाते या सुविधा बढ़ते ही जा रहा, खुजली और भी बढ़ते ही जा रहा है, तब वो लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वो लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेज हमें लाना है। तो सबसे पहला लाना है कि हमें हाई फाइबर का आइटम्स खाना है, ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स खाना है, जिससे कि हमारे ट्रीटमेंट के कंडीशन को वो एक तरह से ट्रीट करता है और प्रिवेंट भी करता है। मित्रों इनिशियली आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि डाइट में करने बोलेंगे, और कोई स्ट्रेन ऐसा लेने नहीं बोलेंगे जिसमें कि बाउल मूवमेंट शामिल हो, क्योंकि एक्सेसिव स्ट्रेनिंग के कारण ही हमारे कई बार कंस्टिपेशन भी पाए गए हैं। आप अगर अपने डाइट में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं जो कि आपके स्टूल को रेगुलर और सॉफ्ट रख सकता है, आप देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, कुछ ऐसा चीज स्टूल एक्चुअली यह पेस्ट की तरह होना चाहिए, अगर यह हार्ड हो रहा तो वाटर इंटेक बढ़ाइए, इस तरह की आइटम खाइए जिससे कि यह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और रेगुलर हो जाए, आपको दर्द महसूस ना हो। ये तभी संभव है जब ज्यादा से ज्यादा आप फाइबर खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे, और स्पेशली ब्रान बेस्ड ब्रेकफास्ट सीरियल्स इस तरह से आप कीजिए, साबुत दाना खाइए, वाटर कंजम्पशन बढ़ाइए, और कैफीन वगैरह को तो बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स ये सब जो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सब तो बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए, अपनी बॉडी वेट को कंट्रोल कराइए, आपके बॉडी वेट लूज होने से काफी हद तक इसके सेवेरिटी जो होते हैं पाइल्स के ये सब से आप मुक्त हो सकते हैं। और जब भी आप टूल पास करते हैं ज्यादा समय ना लगाएं, ज्यादा प्रेशर ना लगाएं, और एक्सरसाइज तो है ही मित्रों, एक्सरसाइज आप कीजिए, योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, यह सब तो रामबाण की तरह काम करता है, क्योंकि यह आपके विचारों को तो सकारात्मक बनाता ही है, इसके साथ साथ आपके शरीर में भी वह तंदुरुस्ती ताजगी सब कुछ लाता है जो सब कुछ आपके शरीर को दीर्घायु बने रहने के लिए चाहिए। तो आज से ही
आप इसे परमानेंट खत्म कर सकते हैं। अगर मेडिकेशन की बात की जाए, जो कि ट्रीटमेंट का एक क्लिनिकल प्रोसीजर होते हैं, कई तरह के मेडिसिन अवेलेबल है जो कि सिम्टम के आधार पर दिए जाते हैं कि किस तरह से मैनेज किए जाते हैं। जो पेशेंट टू पेशेंट हो गए तो कई बार ओटीसी मेडिसिन, जिसमें कि आप ऑनलाइन भी खरीद लेते हैं, कई बार काउंटर से खरीद लेते हैं, चल भी जाते हैं, जिसमें मुख्यतः वो लोग करना नहीं चाहिए लेकिन वो लोग करते हैं, पेन किलर्स ले लेते हैं, कोई ऑइंटमेंट ले लिए, कोई क्रीम लगा लिए या पैड लगा लिए, तो इस तरह से कुछ देर तक सुख की प्राप्ति हो जाती है, रेडनेस सूथनेस हो जाते हैं, वहां स्वेलिंग जो है कुछ देर के एनस के आसपास के एरिया में कुछ देर तक हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक यह तो नहीं चल पाता है। तो इन्हें जो ओटीसी आप लेते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन या ऑनलाइन जो भी लेते हैं, या तो नहीं लीजिए, पहली बार में ही डॉक्टर के पास जाइए, और अगर 7 दिन तक एट ऑल ही नहीं काम कर रहा तो डॉक्टर के पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूर ही जाइए, जो कि आपकी पूर्णतः इलाज करेंगे। आपके इरिटेशन, पेन, थिनिंग ऑफ द स्किन, जो भी छोटे मोटे सिम्टम जो सबसे पहला दिखते हैं प्राथमिकता, उन सबको हटाएंगे। इसे आप सेम मेडिसिन को 2 से 4 बार 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 बिना एडवाइस के इस्तेमाल मत कीजिए, आप मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाइए। इस तरह से कई सर्जिकल ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं मित्रों, जिसके कारण जिसमें आते हैं बाइंडिंग, स्क्लेरोथेरेपी, इंफ्रारेड कोएगुलेशन, हेमोरॉइड स्टेपलिंग, तरह तरह की तकनीक है। मुझे पूरी उम्मीद है इन सभी ट्रीटमेंट की आपको आवश्यकता ना हो, बशर्ते आप लाइफस्टाइल में ही बदलाव ले आइए, और फिर देखिए आपका जीवन इसी तरह से ऐसे ही खुशमय हो जाए। और यही लिविंग हैप्पीली की शुभकामना भी है आपके लिए। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए सहृदय धन्यवाद। नरेंद्र कुमार की ओर।